अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं आप सबको वंस अगेन वेलकम करना चाहूँगी और बहुत शुक्रिया। ये शो मैं करती हूँ जुमेरात जुमा हफ्ता रात को 9:30 बजे से 11 बजे तक और आपका मेरा साथ होता है 1.5 घंटे का। वैसे अगर आप बैठे अकेले में ना तो 1.5 घंटा कभी गुजरता नहीं है, बहुत स्लोली गुजरता है, लेकिन अच्छा टाइम कहते हैं बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी डिश बनेगी, गेस्ट आएंगे और पता भी नहीं चलेगा टाइम का। सो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों की जितनी जो फरमाइशें हैं रेसिपी के हवाले से वो मैं पूरी करूं। और आज भी सना लाहौर से उन्होंने पिछले हफ्ते फरमाइश की थी चिकन रोस्ट की, क्योंकि मुख्तलिफ तरीके से लोग बनाते हैं, तो आज आपको मैं आसान तरीका, अगर आपके पास है ओवन है तो आप आसानी से बना सकेंगे, और बहुत दूर दराज के इलाके जिनके पास ओवन नहीं है तो उनके लिए मैं एक दिन ऐसे करूंगी कि देगची में स्टैंड रख के थोड़ा सा पानी डाल के किस तरीके से आप स्टीम रोस्ट कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आने वाले दिनों में। तो आज का सवाल आपको सबसे पहले बता दूं, सवाल है पाकिस्तान का पहला कलर ड्रामा सीरियल कौन सा था। आपने बताना है कॉल करके 0514102357 पे, और उसके अलावा जो सोशल मीडिया पे आप जा सकते हैं, मिशी खान ऑफिशियल 2 है, मिशी खान ऑफिशियल टिकटॉक पे है, मिशी खान ऑफिशियल ही ऑन यूट्यूब है, और मिशी खान एट मिशी डिशेस जो है वो इस पे है ट्विटर पे ना, इतनी सारी जगह ना भूल जाती हूँ। और साथ साथ जो K2TV की जो साइट्स है, K2TV ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम, K2TV ऑफिशियल ऑन फेसबुक, और साथ में आप ट्विटर पे भी K2TV ऑफिशियल टाइप करें तो वहाँ जा सकते हैं। और इस शो का जो पेज है ऑन फेसबुक वो है द मिशी खान शो। सो थैंक यू वंस अगेन। मैं तारुफ कराना चाहूँगी जो हमारे कीबोर्ड पे सौती असरात यानी जो मौसीकी दे रहे हैं वो है सरोज। अस्सलाम वालेकुम सरोज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? खैरियत से, ठीक ठाक हैं। जी ठीक। आज आपने बिलीव इन लव आफ्टर लव कैसे ठीक है? यस ठीक आप? चलो वंडरफुल यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और नाज़रीन शो शुरू करने से पहले शो शुरू हो गया, गर्मी के कुछ असरात हो रहे हैं और जो ऐसी कोई लोड शेडिंग जो हो रही है ना, ओह गॉड। और सबसे पहले नाज़रीन मम्मी, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दार भजन और बार भजन को मेरा खास सलाम, और मम्मी और दार भजन से नाज़रीन रोज कल सुबह रिपीट में भी देखेंगे 9:30 बजे और शाम को कल रिपीट आएगा 4:30 बजे, तो 3 दफ़ा देखेंगे। आज हमारी गेस्ट जो हैं वो मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड हैं जो कि दुबई में होती थी, अब पाकिस्तान आ गई हैं, और वहाँ से उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान जाके पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है उसको किस तरीके से जो है वो इन्हेंस किया जाए। तो आज हमारे साथ होगी आईटी एक्सपर्ट, 10 ऐप्स नेटवर्क है इनका, यानी 10 किस्म के ऐप्स जो है, इनमें से एक ऐप इन्होंने बना ली है और बाकी 9 जो है आर इन द पाइपलाइन। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये आई हैं। बहुत एक तो होता है ना, एक पर्सनालिटी होती है जिनसे आप सिर्फ काम की बातें करते हैं, बट शी इज़ एन ऑलराउंडर, बड़ी पॉजिटिव पर्सनालिटी है, बड़ी प्यारी सी हैं, खूबसूरत सी हैं, और आज माशाल्लाह बड़ी तैयार होकर आई हैं भाई। एम्स टू लॉन्च 10 different apps फॉर लाइफ स्टाइल बेटरमेंट, यानी 10 मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो हैं वो इंट्रोड्यूस होगी, जिनमें से एक जो है वो ऑलरेडी बन चुकी है, तो आपकी लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए। सो मुझे बड़ी खुशी है आज हमारे साथ होंगी अज़का अज़ीम, और दूसरी हमारी जो आज की मेहमान हैं वो हैं सबा सिकंदर, एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्लोदिंग ब्रांड ओनर हैं, और साथ में एक ही गिरिया कुछ गिरा है ना जी, और इनसे खूब सारी बात करेंगे। और अज़का अज़ीम भी जो है वो एंटरप्रेन्योर हैं, आईटी एक्सपर्ट, 10 ऐप्स नेटवर्क जो है वो सारा उनका ब्रेन चाइल्ड है, तो आज उनसे दोनों जो ख़वातीन हैं आज पावर पैक्ड, कहती है ना पावर वुमेन ऑफ 2022, उनसे मुलाकात आपकी कराएंगे। और नाज़रीन एक छोटी सी बात आपसे शेयर करनी है, मैं चाहूँगी कि अगर थोड़ा सा म्यूज़िक एक मिनट के लिए अगर रुके तो, थैंक यू सो मच। नाज़रीन 2 दिन पहले पाकिस्तान की एक बहुत नामवर शख्सियत आमिर लियाकत हुसैन साहब की वफ़ात हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और उनके जो दर्जात हैं वो बुलंद करे, और उनके जो फैमिली है, उनके फ़ैन्स हैं, उनके जो
बच्चे हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुब आमीन। दो दिन से मैं मेरे दिल पे बहुत बोझ था। इंसान कहते हैं जब आप किसी को इतना एडमायर करते हैं, इतने जहीन, इतने वेल स्पोकन, और मैं कहूँगी कि जितने शोज़ आज तक उन्होंने किए उसमें हम लोग वेट करते थे रमज़ान ट्रांसमिशन का, बिकॉज नॉन स्टॉप उनका एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक बहुत अबूर था उनका हमारे रिलीजन पे, और जो बातें करते थे चाहे किसी भी टॉपिक पे, बहुत ही जहीन इंसान थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई, जो मैंने कल अपनी वालदा से भी इसको डिस्कस किया कि इंसान कभी उसमें आके कि आप किसी को इतना एडमायर करते हैं और वो अगर चंद दिन पहले जो भी चीज़ हो रही थी सोशल मीडिया पे, तो मैं भी जज्बात में आके मैंने भी एक वीडियो बना दी जो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, जिसमें उन्होंने कुछ कहा था, तो मैंने उसका उनको एक वो कहते हैं ना स्पर ऑफ द मोमेंट था कि कभी कभी आप किसी को एडमायर करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो आप शायद जज्बाती हो के या आपके अल्फाज ठीक नहीं होते तो आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसका आपको बहुत दुख होता है। और मुझे बहुत दुख हुआ कि उनकी वफात जिस तरीके से हुई दो दिन पहले। मैं उस दिन भी कहना चाह रही थी लेकिन कुछ अजीब सी कश्मकश थी, दो दिन से मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी सी गिल्टी तो नहीं कहूँगी, बहुत बुरा लगा मुझे क्योंकि मैंने आज तक किसी के लिए कभी कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि क्या वजूहात थी, इतना ज़्यादा वो न्यूज़ में थे, लेकिन बहुत दुख हुआ। एक बहुत नॉलेजेबल, एक बहुत ज़बरदस्त, यू नो, फुल ऑफ भरपूर ज़िंदगी गुजारने वाले जो है वो यकदम जो है दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनको बुलंद दर्जात दे। और मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगी कि मैंने वो बहुत बड़ी गलती की, और आइंदा इंसान कहते हैं ना सोच समझ के चीज़ करनी चाहिए, वो मैंने अपना वीडियो भी लगाया क्योंकि मुझे बहुत लग रहा था कि यू नो आई हैव टू डू दिस। और जब भी आपके दिल में कोई बोझ होता है ना, उसको खुद ही एड्रेस किया करें, उसको खुद ही आप उसको हैंडल किया करें, क्योंकि दिल का बोझ जो है ना वो किसी तरह का भी अच्छा नहीं होता। तो सॉरी कहने में, अपोलोजाइज करने में कोई छोटा नहीं होता, हम सब खता के पुतले हैं और सब खताएं करते हैं, उनमें से मैंने भी कर दी एक, लेकिन अफसोस हुआ कि अगर वो होते और मैं करती तो ज़्यादा था, लेकिन बस अफसोस इस बात का। सो बहुत थैंक यू मम्मी का कि उन्होंने, मैंने उनसे जब पूछा कि मामा मैं बहुत कश्मकश चल रही है तो मुझे ये करना है, तो उन्होंने कहा भाई फ़ौरन करो, इसमें कोई नहीं आर के अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, और हर वक्त उसको ये नहीं करना चाहिए कि जी बस मैं ठीक हूँ। गलती इंसान से ही होती है और उसको जल्द ही रेक्टिफाई करना हम सब का फ़र्ज़ बनता है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मौसीकी स्टार्ट कर दें, थैंक यू सो मच। हाँ नाजीन, ओहो आज आसिम कुरैशी साहब जो है मार्केटिंग, उनकी आज बर्थडे है। चलो भाई 1 2 3 4 करो, आसिम कुरैशी साहब को हमने हैप्पी बर्थडे विश करना है। 1 2 3 4 कम ऑन सरोज, डू द स्लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, dear Asim Qureshi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. आसिम भाई साहब, आपने ना केक खिलाया ना कोई पैटस खिलाए हमें। पैटस कहते हैं ना लोग, पैटीज क्यों नहीं कहते, पैटस क्यों कहते हैं? बस ये कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो लोग प्रोनाउंस हमेशा गलत ही करते हैं। चिकन पैटस खाया, पैटस तो पैटस हमने नहीं खाया अभी तक, लेकिन इंशाल्लाह खाएंगे। अच्छा भाई, परसों वेंसडे को मैं बड़ी प्यारी जो है नायला जावेद, उनका भी बर्थडे था, तो एक और बर्थडे, तीन बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। उसके बाद नाजीन आपको बताऊंगी कि हम क्या बना रहे हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, dear Naila Javed. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, dear Naila Javed. Happy birthday to you. Happy belated birthday to you. वेंसिया को बर्थडे थी तो हमने कहा आज ही सारों की बर्थडे जो है ना बर्थडे बर्थडे तो नायला जावेद आपको भी हम सब की तरफ से सालगिरह मुबारक हो. साथ में जो आसिम कुरैशी साहब हैं उनको भी सालगिरह बहुत मुबारक हो. हैव अ ब्लेस्ड डे. गॉड ब्लेस यू बोथ. एंड एक हमारी बड़ी प्यारी सी छोटी सी बहुत क्यूट सी स्वीट सी यहाँ पे होती हैं. उनका नाम है कोमल. कोमल कोमल ये नाजिया हसन का सॉन्ग था. तो कोमल की भी बर्थडे है. कोमल की बर्थडे है 10th जून को. वो भी आज है. आज है नहीं आज तो यार है गुजर गया एक्टिव का. माफ कीजिएगा. अच्छा आज आसिम कुरैशी साहब की है और कल कोमल की थी. ओके 1 2 3 स्टार्ट. हैप्पी बर्थडे टू यू. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Komal. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, dear Komal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Komal, happy birthday. May you have a blessed birthday in advance. Shahbaz bhai ki bhi birthday. Khuda ke waste. Aap to December mein aate ho. Haan, 30th June ko Sir Kamran ki birthday hai. So hamara hoga us din show. अभी चेक करूंगी सर. इन एडवांस आपको हैप्पी बर्थडे सर कामरान की 30th जून को होती है. जून बेबी है वो जून. ओके नाज़रीन वापस आ जाते हैं. सना ने लाहौर से फरमाइश की थी इसकी किसकी रोस्ट की. अच्छा अब जो अवन है उसको मैंने 250 सेल्सियस पे कर रही हूँ. चलेगा अभी इसको निकाल देते हैं. और ए ये अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे दोनों का ताकि दोनों में वो पक सके. अभी मैं डाल दूंगी 45 मिनट्स लगेंगे क्योंकि बिल्कुल चिकन जो है वो कच्ची है. कॉल आप कर सकते हैं 0514102357 पे. आज का सवाल है कि पाकिस्तान का पहला कलर सीरियल जो है वो ड्रामा सीरियल वो. नाजीम पानी जा रहा है जल्दी जल्दी हाथ धो लूं मैं. हैंड वॉश जरूर करें. सारी बीमारियां हैंड यानी हाथ ना धोने की वजह से होती हैं. अच्छा इसके लिए आपको 1 से 1.5 किलो या जो भी आपको साइज पसंद है आपकी जेब इजाजत देती है वो चिकन आपने पूरी साबुत लेनी है. एक स्किन वाली चिकन भी आती है उससे जो फ्लेवर है ना चिकन रोस्ट का वो बहुत ज़बरदस्त होता है. तो वो भी मिलती है. वो कुछ जगहों पर आप उन्हें कह दें कि वो जो स्किन है यानी उसकी जो खाल है वो ना निकालें तो उसकी ऑयल जो है वो आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा. दूसरी वाली जो स्किनलेस होती है ये वाली ये आप देख सकते हैं इसमें कट्स लगा दिए हैं. ये देख लें कट्स हैं इसमें ताकि ये बहुत जल्दी जो है ये बन जाएगी. इसको हमने सबसे पहले कर रहा है मैरिनेट. और इसके ये जो ट्रे है इसके अंदर मैंने लगा दिया है फॉयल. थैंक यू गुलदाद भाई का शुक्रिया जिन्होंने फॉयल लगा दिया. हमने सिर्फ हल्का सा ऑयल ड्रिजल करना है ऐसे ना करके ऐसे कर लेते हैं. सो थोड़ा सा आपने ऑयल ताकि इसको ना जो भी आलू. अच्छा मैं सिर्फ इस दफ़ा आलू डाल रही हूँ. आपकी मर्जी है कि आप गाजर मटर और गाजर मटर ऐड कर सकते हैं. मैं सिर्फ इस वक्त जो है आलू डाल रही हूँ. पोटैटोज एंड चिकन रोस्ट बन रहा है. और एक हमारे साथ कॉलर है उनसे भी बात कर लेते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. सॉरी नाजीद कॉल ड्रॉप हो गई. एक सेकेंड. एक तो गीले हाथ जो है ना ग्लव्स में डालें ये सीरियल किलर ग्लव्स लगते हैं मुझे. ओके ये आप देख लें
मैं अभी इसके अंदर सॉसेस क्या डाल रही हूँ ये आप देख लें, कोई ज्यादा रोस्ट के अंदर चीजें नहीं डालनी होती क्योंकि उसका अपना फ्लेवर होता है। अब आपने चरगा तो बनाना नहीं है, सो ये चिकन को मैं डाल रही हूँ इसमें, ये देख लें ऑयल पेट में उसके कुछ है। इसके लिए दो लीमू का रस जो है, दो लीमू का रस जो है वो इसमें, ये देख लें आप, ये मैं इधर कर लेती हूँ, दो लीमू का रस है, ये क्या है, शहद है, वाओ नायाब चीज। लहसुन अदरक कुटा हुआ जो है या पिसा हुआ, हल्का सा मैंने लेना है, बहुत हल्के हाथ से हमने इसको थोड़ा सा इस तरह मिसाज कर देना है, मिसाज ओ ये ठीक है, इस तरह हमने हल्का सा इसको, ताकि इसकी जो थोड़ी सी अरोमा होता है चिकन का, स्मेल तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि खाने की चीज़ के लिए स्मेल नहीं इस्तेमाल करते वर्ड, अरोमा जो होता है वो थोड़ा सा पंजेंट होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको लगता है कि गोश्त की हीक जो है वो कम कर देनी। इसमें क्या करेंगे हम, ये जो पुदीने के पत्ते हैं, ये जो इसका पेट है ना, यानी जो इसका स्टमक है, ये मैं उसमें डाल रही हूँ। बेसिकली आप इसके अंदर ये रोजमेरी जो फ्रेश होती है, रोजमेरी जो कि आपके गार्डन में होती है, रोजमेरी जो है उसकी स्टिक्स जो हैं वो अच्छे तरीके से साफ करके वो आप, मैं इस वक्त मेरे पास जो हर्ब है वो पुदीना है, तो ये देख ले मैंने पुदीना इसके पेट के अंदर डाल दिया, ठीक है। ये आपने रोजमेरी डालने और ये आपका बेजल लीव्स जो है वो भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन फ्रेश डालेंगे तो ज़्यादा, क्योंकि वो अंदर का एरिया थोड़ा सा कुक होने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैं इस वक्त ये वाला मेरे पास हर्ब है मिंट यानी पुदीना, तो मैं पुदीना इसमें शामिल कर रही हूँ। कॉल आप कर सकते हैं। आज का सवाल आपको बता दूँ कि वो कौन सा ड्रामा सीरियल है पहला जो कलर था, ये देख लें, ये किया हमने, इसके ऊपर काली मिर्च थोड़ी सी डालेंगे, ये देख लें काली मिर्च हमने डाली, और इसमें ये नमक जो है हल्का सा आपने स्प्रिंकल किया, इसको अब मोड़ देते हैं, मोड़ के काली मिर्च डालेंगे, दो चीज़ें ऐड करिए। मैं थोड़ा सा गोरों के स्टाइल का रोस्ट बना रही हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले मसूले नहीं डलते। फिर अब हम इसमें थोड़ा सा ये गार्लिक जो है वो डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी मैं, बिस्मिल्लाह मान रहीम, एक इस तरफ और इसी को हम थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, और इसके जो कट्स हैं उसके अंदर आपने हल्का सा ड्रिजल करना है ऑयल, ठीक है। और ये जो हनी है, शहद जो है, ये जब ये बिल्कुल रोस्ट हो जाएगा उसके बाद इसके ऊपर आप स्प्रेड करें ना, तो वो गोल्डन एक लुक आती है उसकी, मतलब उसका फ्लेवर जो है बहुत मज़े का हो जाता है। ये आपने लिया, बिस्मिल्लाह मान रहीम, इधर मैंने जो ट्रे है इसके ऊपर थोड़ी सी ऑयलिंग कर ली है, ये लिया, और ये हमने इस तरीके से, ये आपको टर्न भी करना पड़ेगा, ये जो इसके साथ में लवाजमात हैं ये भी बेशक डाल दें। ओके नाज़रीन, एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, वापस आते हैं, कमर्शियल ब्रेक है, ओके कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस जैसे ही आते हैं तो बस इसके अंदर हमने आलूओं को भी थोड़ा सा मैरिनेट करना होगा, तो इसको भी थोड़ा सा बता दूंगी आपको, एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। सना लाहौर ने फरमाइश की थी अमेरिकन स्टाइल का चिकन रोस्ट बन रहा है, ये देखिए इसकी जो मैरिनेशन हो चुकी है। आलू जो है वो आपने इस तरीके से, आलू गोश्त के लिए आप काटते हैं ना आलू, सेम साइज़ के आपने आलू जो है वो इस तरह काटने हैं। इसमें भी मैंने अभी मेरे पास हर्ब्स जो हैं वो रोजमेरी थोड़ी सी पड़ी हुई है ड्राइड, वो मैं थोड़ी सी इसमें शामिल करूँगी। हाँ वेरी नाइस ब्यूटी, ये मैंने शामिल की, और साथ में इसमें डालेंगे नमक, आलूओं में नमक हैज़ टू बी वेरी वेरी, थोड़ा सा गार्लिक जो है वो इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया, कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च से ना इसके ऊपर भी थोड़ी सी डाल लें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और हसबे ज़ायका नमक डालते हैं इसमें, और थोड़ा सा लेमन जूस। अच्छा लेमन जूस मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ, ये जो इसके कट्स हैं इसके अंदर हम डाल देंगे, और ये ऐड हो गया, और अब इसको हमने जो आलू है ना उसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, सो दैट ये देखें इस तरह की लुक आ जाएगी। अब नाउ वी विल स्प्रेड देम साइड पे, इसके मतलब बिल्कुल है ये दुल्हन है और इर्द गिर्द सारे बराती बैठे हुए हैं आलू की शक्ल में, ठीक है। ये
दुल्हन वही जो पिया मन भाए, ठीक है, और साथ में सबकी बाराते, ये बराती आ गए सारे, ये हमने लेके, अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा अच्छा ऑलिव ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू हैव द कैपेसिटी टू यूज़ इट, क्योंकि अब ऑलिव ऑयल तो पता नहीं कितने का हो गया होगा, ये नहीं पता मुझे। ये हमने कर दिया इसको मैरिनेट, डैश ऑफ ये लेमन जूस, ये जो आपके आलू हैं इनके ऊपर डाल रही हूँ मैं, और आपने लेमन को ज़ाया नहीं करना, लेमन को आपने इस तरह रख के इधर ही रख देना है, ये जो पेटू शरीफ है ना इसका पेट के अंदर, और ये बाकी भी मैं इसमें स्क्वीज़ कर रही हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, और ये आपने इसमें ही रख देना। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? अलीजा फातिमा। अरीबा फातिमा, अलीजा। अलीजा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से, आप सुनाए। आदा बदाम बहुत अच्छा जा रहा है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से, आपकी रेसिपी राय टीटी से लड़ाई जो आपने बनाई थी। कौन सी? चिकन लड़ाई चिकन बनाई थी। अच्छा बनाई आपने? यस, बहुत अच्छी मजे थी माशाल्लाह से बनी। चलो वंडरफुल यार, जबरदस्त जबरदस्त। So, अच्छा, चिकन नगेट्स की फरमाइश है। किसकी? मैं आप चिकन नगेट्स, चिकन नगेट्स की फरमाइश है, ठीक है, एक सेकंड है ना। मैं आपको एक सॉन्ग सुनाऊंगी, मिली नगमा। सुनाओ सुनाओ। दिल वाइट पेपर, हाँ बताएं। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, पढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये जलवा, वेरी नाइस भाई, जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने चिकन नगेट, इनकी नाम क्या था, चिकन नगेट्स, अलीजे चिकन नगेट्स, और कहाँ से थी? अलीजे अलीजे कराची चिकन नगेट्स, चिकन चिकन हो रहा है बहुत, गुलदाज भाई ने जाना ना छुट्टी पे चले जाना है इतना, ये देखे नाजीन, नाउ इट्स डन, ओए नाउ इट्स डन, ये आप देख लें फाइनल लुक इसकी, इसको अब मैं जो है इसमें ओवन में डाल रही हूँ, आए हाय हाय हाय, दहीरे जॉन, अच्छा जी आ जाते हैं, बीच में आपने रखना है, बिल्कुल बीच में, अप एंड डाउन दोनों जो है 45 मिनट्स के लिए, मैं इसका टाइमर लगा दूं, ए 45 मिनट्स, परफेक्ट, बीच में आपने चेक करते रहना, इसको सर्व आप कर सकते हैं कोई भी अच्छा सा सॉस बना लें, और उसके साथ साथ ब्रेड रोल्स रख लें या वैसे खा लें, अप टू यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अब इसके फाइनल लुक के लिए हम वेट इंशाल्लाह करेंगे। अब नाजीन चलते हैं, कहाँ चलते हैं मैं बताती हूँ आपको, चलते हैं, आपको सॉन्ग सुनाना है, रीमिक्स है मखना, ओ चन मेरे मखना, शाजिया मंजूर साहबा का चन मखना जो है उसका रीमिक्स उन्होंने किया है, वो चल के सुनते हैं, उसके बाद ब्रेक पे चले जाएंगे, उसके बाद हमारे साथ होंगी अमेजिंग सी आईटी एक्सपर्ट, 10 एप्स नेटवर्क की एंटरप्रेन्योर भी हैं और साथ साथ सीईओ भी हैं, एम्स टू लॉन्च 10 डिफरेंट एप्स फॉर लाइफस्टाइल बेटरमेंट, इनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी, प्यारी सी अस्का अजीम, और दूसरी जो मेहमान है वो है सबा सिकंदर, एंटरप्रेन्योर सोशल एक्टिविस्ट क्लोदिंग ब्रांड ओनर। तो चल के सॉन्ग सुनते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं। जी नाज़रीन वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं, जो मेरी दोनों मेहमान हैं वो भी तशरीफ़ ला चुकी हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, मेरी बड़ी प्यारी दोस्त दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट हुई हैं, और बहुत सारे ज़बरदस्त प्लान्स, आईटी इंडस्ट्री आपको पता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोर पकड़ा हुआ है पूरी दुनिया में, और इनका जो एम है टू लॉन्च 10 डिफरेंट ऐप्स फॉर लाइफस्टाइल बेटरमेंट, सो दिस इज़ अ न्यू थिंग, और आईटी एक्सपर्ट हैं, 10 ऐप्स नेटवर्क के नाम से इनका जो कंपनी है वो है, और एक ऐप इसमें से बन चुकी है, तो ये इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे, बहुत ही प्यारी सी गॉर्जियस सी अस्का अजीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक
कितने हम फॉर्मल है ना सुकत. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो. थैंक यू वेरी मच. मोस्ट वेलकम. और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बिकॉज इनसे जब भी मेरी मुलाकात होती है इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. यार इट इज थैंक यू. यू आर सच अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी. थैंक यू. और आप बहुत प्यारी लग रही है और आज मैं खूब तैयार होके आई है. मैं तो एक लॉन का फिराक पहन के आई. थैंक यू. लुकिंग माशाल्लाह ब्यूटीफुल. थैंक यू. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. नाज़रीन मेरी जो दूसरी मेहमान हैं वो एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्लोथिंग ब्रांड ओनर हैं. बहुत ही प्यारी सी, खुद भी बड़ी गैंगी बन के आज आई हैं, प्यारी सी सबा सिकंदर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड. आप कैसे हैं? वेलकम ऑन द शो. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. मोस्ट वेलकम. अच्छा आपका क्लोथिंग ब्रांड का नाम बताइए. सबा निगत कलेक्शन. सबा निगत कलेक्शन. और ये इंस्टाग्राम पे सब जगह जी है? इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक, ऑल ओवर पाकिस्तान हम डिलीवर कर रहे हैं. एंड निगत इज माय बिजनेस पार्टनर. अच्छा. शी इज फ्रॉम यूएसए. अच्छा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं. तो ये ऑनलाइन आपका बिजनेस जी? इट्स ऑनलाइन बट इंशाल्लाह अभी हम आउटलेट अपना जल्द ही लॉन्च करने वाले. तो देखिए ना, एक इंसान 3 दिन करता है एक शो, उसको कपड़ों की जरूरत होती है. इट्स वेरी ट्रू. अपने कपड़े पहन पहन के नाजिर मेरी तो घर में जगह नहीं है, फर्नीचर कम है, कपड़े ज्यादा है. इट्स ड्यू है. तो आपने पर अगली दफा फिर सबा निगत कलेक्शन इंशाल्लाह. वेलकम ऑन द शो. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. नाजिर आप लोगों का भी कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं 0514102357 पे. आज का सवाल है कि पाकिस्तान का पहला कलर ड्रामा सीरियल कौन सा था. बहुत ही प्यारा था सीरियल और उसका जो नाम है वो पी से शुरू होता है, यानी पे से, पे एंड पी. ठीक है, सबको पता लग रहा है. हिंट हिंट पता लगे पी से. अच्छा इसका माशाल्लाह से आप दुबई से शिफ्ट हुई पाकिस्तान, क्या सोच के आप वहाँ से आई? दुबई छोड़ के तो कोई भी नहीं आता. अच्छा मेशी, ऐसा है कि दुबई में येस यूर राइट, वहाँ से छोड़ के आना इट वाज अ टफ डिसीजन. लेकिन कुछ आइडियाज़ थे, जैसे हमारी आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान में रिवैम्प हुई, चीज़ें होना शुरू हुई, लोगों का आहिस्ता आहिस्ता आईटी पे ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ. एंड देन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दिस कोविड केम. और कोविड ने बड़ा हेल्प किया हमारी चीज़ों को, हमारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट करने में. पाकिस्तान में ऑनलाइन चीज़ों का ट्रेंड बहुत कम था, लेकिन कोविड की वजह से हमारे पास, आपने देखा, हमारे पास ग्रोसरीज आई ऑनलाइन, हमारे पास क्लोथिंग ब्रांड्स ऑनलाइन चले गए. सो जब ये चीज़ें रिवैम्प हो रही थी, देन आई डिसाइड के वी हैव बहुत डिफरेंट लेकिन बहुत यूनिक आइडियाज इन आर माइंड. सो बजाय इसके कि आप वहाँ पे यूएई में रह के, आई वाज अ हाउसवाइफ कम्प्लीटली हैविंग अ चाइल्ड माशाल्लाह, वहाँ पे रह के आप जस्ट टू स्पेंड योर लाइफ, व्हाई नॉट टू कम बैक टू योर कंट्री और आके कुछ आप ऐसा करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें अपनी कंट्री के लिए, जिससे एक तो आपकी डे टू डे लाइफ में एक वैल्यू एडिशन होगी. और फिर कुछ हमने थोड़ा सा एंटरटेनिंग साइड को टच किया, बिकॉज एज यू ऑलरेडी मेंशन एंड वी आर फ्रेंड्स, तो हम थोड़ा सा एक एंटरटेनमेंट साइड पे रुझान थोड़ा ज़्यादा है. सो 10 डिफरेंट आइडियाज थे विच वर एज पर मी बहुत यूनिक थे. तो फिर हमने प्लान किया कि ओके फाइन, फिर मैंने डिसाइड किया टू मूव पाकिस्तान. और एक साल डेढ़ साल हो गया मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुई. फिर हमने अपनी एक ऐप को डेवलप करवाया है, बाकी अंडर डेवलपमेंट है और वन बाय वन इंशाल्लाह. अच्छा. सो आपकी एक ऐप बन चुकी है? जी एक ऐप बन चुकी है. तो मतलब वो डाउनलोड कर सकते हैं? यस यस. अच्छा वो किस उससे है? अच्छा मिशी, वो बल्कि वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वो आइडिया, जो फनकार के नाम से हमने एक पोर्टल बनाया है. इसमें हमारी थोड़ी सी कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी है उनके लिए. अच्छा. एक तो द गुड न्यूज फॉर द फैंस के अभी फनकार के सूरत में एक प्लेटफॉर्म है आपके पास, उसमें आप अपने जो भी ड्रीम सेलिब्रिटी हैं उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू द प्लेटफॉर्म. एक तो ये कनेक्शन आपका स्ट्रेट अवे विद नो इंटरप्शन और नो अपॉइंटमेंट्स इस तरह से होगा, और आप स्ट्रेट अवे अपने जो भी पोर्टल पे आर्टिस्ट सेलिब्रिटीज, एंड बाय द वे आई हैव रियली गुड नंबर माशाल्लाह, 30+ सेलिब्रिटीज ऑन बोर्ड और आप मेरी लिस्ट में हैं इंशाल्लाह. आफ्टर प्रोग्राम वी कैन डिस्कस दिस. मैं भी फनकार पे जाने वाली हूँ. ओके, तो उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने फैंस से. आप स्ट्रेट अवे, इट्स 1-to-1 डेडिकेटेड कनेक्शन है, कोई इंटरप्शन नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है. आपने अपने किसी भी इवेंट पे किसी सेलिब्रिटी को बुलाना है, अगर आपने किसी से भी अपने किसी भी फेवरेट, जैसे आपने फिरदौस जमाल का मेंशन किया,
उनकी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हर जगह है. एंड ही इज ऑन फनकार. आपने बस वहाँ से उनके वीडियो कॉल ले सकते हैं, वीडियो मैसेज ले सकते हैं, बर्थडे विश कर सकते हैं, बर्थडे विश करा सकते हैं, अपने इवेंट्स पे उनको इनवाइट कर सकते हैं. अच्छा. सो एक साइड जो सेलिब्रिटीज पे है, इट्स अ ट्रीट फॉर द फैन एंड फॉर द सेलिब्रिटीज कि ये एक यूनिक कनेक्शन होगा जिसमें मतलब वन टू वन आपका एक एक्सपीरियंस होगा. एंड मेरे ख्याल में सेलिब्रिटीज के लिए भी ये एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी इस तरह से है क्योंकि जब आप अपने किसी फैन से मिलते हैं एक बहुत लिमिटेड टाइम, कहीं किसी मॉल में मुलाकात हो गई, चलते चलते हो गई, यू आर ऑलरेडी क्राउडेड, आगे पीछे लोग हैं, तो आपको जो फैन की ट्रू फीलिंग्स होती हैं वो समटाइम्स कभी आपने इंस्टा खोल लिया और पढ़ लिया तो समझ आ गई. लेकिन ये जो एक कनेक्शन होता है, समटाइम्स मैंने देखा है फैंस और सेलिब्रिटीज़ की जब इंटरेक्शन होता है वो रोना शुरू हो जाते हैं, दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. सो फनकार इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप आके एक डिसेंट वे में अपनी फैमिली से एक फैमिली गैदरिंग के तौर पे आप उन सेलिब्रिटीज से मिल सकते हैं. इसकी दूसरी साइड पे थोड़ी सी मैं हाईलाइट डालूंगी. इसकी दूसरी साइड, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द इमर्जिंग टैलेंट्स. पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जहाँ पे जो अपकमिंग टैलेंट्स हैं, जो इमर्जिंग टैलेंट्स हैं, उनकी वॉइस रेज हो सके. जो अच्छा, उसमें ये भी हो सकता है कि दे ऑल्सो कैन कनेक्ट और मे बी आप उन्हें प्रमोट करेंगे. यस यस, हम उनको प्रमोट, दे कैन कम ओवर, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, हम उनकी प्रमोशंस करेंगे और उनकी रेटिंग्स और उनके रिव्यूज देख के लोग, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा इस साइट पे भी कि आप अपने इवेंट्स को फैंसी बना सकते हैं, आप इसको एक डिफरेंट साइट से टच कर सकते हैं. एक ढोल वाला जो गर्मी में वहाँ बैठा हुआ है, नाउ ही इज ऑन फनकार और उसको घर बैठे बैठे ही कैन जस्ट अर्न. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज अवेलेबल इन द मार्केट. हमारे 500 प्लस माशाल्लाह डाउनलोड्स हैं अभी, हमारे इंस्टा पे भी लाइव है और सोशल मीडिया भी लाइव है और मिशी भी आने वाली है, मैं अनाउंस कर जाऊँ. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच. तो इसके ऊपर बेसिकली वीडियो मैसेज भी है, किसी को बर्थडे भी विश कर जी, सकते आप इस पे, हमने आज 3 बर्थडे विश किए हैं अभी, हमारा पैसा कितने है. अच्छा, यू विल गेट ऑब्वियसली उसका आपको फायदा होगा. बिल्कुल बिल्कुल, आप उसमें जो भी, जैसे अभी बहुत ट्रेंड होता है और इंस्टा पे मैं बहुत देखती हूँ, People are begging to the celebrities, मेरा नाम ले लें, shout out दे दें, please मुझे birthday wish कर दें. ये आप इन्होंने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे जो bloggers हैं वो shout out लेने के पैसे लेते हैं. जी जी बिल्कुल. अच्छा जी, main page पे post करेंगे तो इतने पैसे हैं, story के अंदर इतने पैसे हैं. Exactly, exactly. ये तो बहुत अच्छा है. तो मैं तो दिन में 15 birthday, happy birthday. Yes, यहाँ पे आप bookings डालें, आप उसके जो भी अमाउंट आपको सूट करती है यू कैन चार्ज. और इस तरह से तो आपका कनेक्शन भी होगा, उसमें आपको डाउट भी नहीं रहेगा, आपकी बर्थडेज, आपके इवेंट्स भी. इसमें एक चीज़ मैं मेंशन करूँगी, जो हमारे ये प्लेटफॉर्म है इसमें हम कोई भी मतलब आप कह लो कमर्शियल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करते. जैसे इट्स ऑल सेफ एंड इट्स ऑल ट्रूली फॉर द फैंस. Okay. बस इसमें आप कोई भी बिजनेस या इस तरह की एक्टिविटी नहीं करवा सकते. अगर आपने करवानी है तो यू नीड टू पुट द डिटेल्स एंड द रेट वुड बी डिफरेंट और सेपरेट और वो सेलिब्रिटीज के डिफाइंड है. जबरदस्त. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट. थैंक यू. वेरी नाइस. फर्स्ट ऐप फनकार और बाकी 9 जो हैं उसका भी पूछती हूं इंशाल्लाह. सबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं. कितनी अच्छी इनकी है ना. दैट्स वेरी ग्रेट बिकॉज़ आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम रनिंग माय डिजिटल शो, सो इट्स वंडरफुल. लाइक या यू कैन जॉइन द ऐप टू. या अच्छा, ये ऐप देखिए ना नाजी, एप्लीकेशन ऐसी है कि हर कोई ज्वाइन कर सकता है. आप एज अ डिजाइनर कर सकती हैं. बिल्कुल. सो कितना अर्सा हो गया आपको डिजाइन करते हुए? अच्छा, सो बेसिकली एज शी सेड कि कोविड ने बहुत सारी चीजें लोगों में बदलाव भी लाए हैं. बिफोर कोविड आई वॉज डूइंग इवेंट मैनेजमेंट एंड आई वॉज रनिंग माई टूरिस्ट कंपनी. बिकॉज मेरा लाइक सोशल वर्क है तो मैं वो टिपिकल डोनेशन वाला तरीका नहीं रखना चाह रही थी. आई रियली वॉन्टेड कि लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाए और देन जो प्रॉफिट हमें होगा उससे हम लोगों की हेल्प करेंगे. सो आई वॉज वर्किंग ऑन माई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी या टूरिज्म कंपनी. बट बिफोर दैट आई रियली स्टार्टेड सम बिजनेस. लाइक आई रियली वॉन्टेड कि मुझे बुटीक अपना बनाना है एंड आई वॉन्ट टू एम्पावर जितनी भी खवातीन हैं, क्योंकि सोशल वर्क जब आप करते हैं तो आपके पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि खवातीन के पास स्किल्स तो होते हैं बट स्टिल दे आर आस्किंग फॉर मनी बिकॉज उनके पास अभी भी प्लेटफॉर्म नहीं है. वो अपने स्किल्स को वो प्रॉपर्ली ला नहीं सकती लोगों के सामने, लॉन्च नहीं कर सकती. आइडियाज़ नहीं होते. सो आई थॉट कि कोविड जब आया तो लोगों के पास बहुत परेशानी थी, खाने को भी नहीं है, रेंट भी पे नहीं हो रहे, बिल्स भी पे नहीं हो रहे और एक पैनिक क्रिएट हुआ हुआ था. देन आई स्टार्टेड माई क्लोथिंग ब्रांड बाय नेम ऑफ सभा निगत कलेक्शन और हमारा एक प्रॉपर स्टिचिंग यूनिट है जिसमें वो सारी खवातीन काम कर रही हैं जो कि अंडर प्रिविलेज एरिया की हैं, जो कि डिज़ाइनर भी हैं, जो कि टेलर्स भी हैं और प्रॉपरली कोऑर्डिनेट भी करती हैं. वी हैव फैशन डिज़ाइनर्स आल्सो. सो हमने ये जुलाई 2020 में लॉन्च किया था. ओके. और अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान हम डिलीवर कर रहे हैं.
रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अलावा लाइक जितने भी शहर हैं, कराची, नारोवाल। किस टाइप के डिजाइन होंगे, मतलब शलवार कमीज है या प्रेट है, फॉर्मल है, किस तरह? अच्छा, मेरे ब्रांड का आइडिया भी यही था कि हम सबके लिए रखें, ईस्टर्न वेस्टर्न बोथ, जो जैसा पहनना चाहता है। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि आप कभी भी किसी को उनकी ड्रेसिंग पे जज ना करें। अगर कोई ईस्टर्न पहनना चाह रहा है तो मोस्ट वेलकम, अगर कोई वेस्टर्न पहनना चाह रहा है तो मोस्ट वेलकम। तो टॉप्स भी हैं उसमें, स्कर्ट्स भी हैं, शलवार कमीज भी है, मैक्सीज हैं, और बाकी जितने भी ब्रांड है ईस्टर्न, आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव है। सो वी थॉट कि ऐसा इकोनॉमिकल ब्रांड होना चाहिए जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग खवातीन अफोर्ड कर सके। ये जो आपने सूट पहना हुआ है, इज दिस योर्स? एक्चुअली ये डिजाइन मैंने किया है, बट ये हमने अपने ब्रांड पे लॉन्च नहीं किया। मुझे हमेशा जो बड़े स्लीक किस्म के सूट्स हैं जो कि यहाँ पे नहीं अवेलेबल होते, माशाल्लाह लुकिंग आप दोनों बहुत प्यारी लगती हैं। अजीन, इस कमीज की हिस्ट्री भी है, कल अगले हफ्ते बताऊंगी आपको। सो वंडरफुल। सो आपकी एक शोरील भी है, आई थिंक इनकी शोरील है अमार, ओके वो कह रहे हैं ओके। एक और थी, वो जो सवाल है उसके जवाब के बाद हमने छोटी सी क्लिप दिखानी है अमार, ओके सॉरी। जबरदस्त, अजीन कॉल भी कर सकते हैं असका से, इनके एप्स के बारे में आए कॉलर आ गए आप लोगों की इजाजत से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मिशी? मैं ठीक ठाक, सुनाएं कैसी हैं, कौन बात कर रही हैं? करतुलैन कराची से, बहुत बड़ी आपकी पुरानी फैन हूँ। थैंक यू करतुलैन, बहुत शुक्रिया आपका। कब से कोशिश कर रही थी आपको नंबर ट्राई करना, आज मिल गई फाइनली। चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी करतुलैन? लाइट है नहीं, मुझे नहीं पता आपका शो में क्या आ रहा है अभी, लेकिन मैं YouTube का आपको फॉलो करती हूँ, YouTube पे मैं आपका शो देखती हूँ। अच्छा, थैंक यू। और वहीं से आपका नंबर मैंने लिया YouTube से ही। नंबर मेरा यानी कि शो का नंबर? अच्छा, शो का। अच्छा, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका करतुलैन। ये बताइए कि शो देख अभी नहीं देख रही हैं आप, कल सुबह रिपीट में 9:30 बजे और शाम में 4:30 बजे आएगा तो जरूर देखना। एक आदमी में इलेक्ट्रिसिटी का इतना प्रॉब्लम है ना कि लाइट ही नहीं होती यहाँ पे। बात सुने, इधर भी यही है, हर घंटे बाद घंटे के लिए। और गैस भी नहीं ना, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं यहाँ पे। ये चाह रहे हैं कि आप लोग सोचने समझने से कासिर हो जाएं। मैं की तरह रहती, मैं आपसे मिलने जरूर आती। आए जरूर आना इंशाल्लाह। अच्छा ये बताए, पाकिस्तान का सबसे है फनकार पे रजिस्टर हो जाए, फनकार पे रजिस्टर हो जाए। अच्छा कुरुश्लाइन ये बताए कि क्या था सवाल, पाकिस्तान का पहला ड्रामा, पाकिस्तान का सबसे कलर ड्रामा सीरियल कौन सा था? मेरा ख्याल से रूसा ड्रामा था। रूसा नहीं था, रूसा 93 में आया था। अच्छा, मुझे फिर इस बारे में कंफर्म नहीं कह सकती ना, मुझे पता। अच्छा ठीक है, थैंक यू। मुझे एक फरमाइश करनी है। हां बताएं बताएं, करें। स्टेक बनाना सिखाइएगा। स्टेक? गुलदार भाई गिर के बेहोश हो गए। अब बकायदा आइए। किस चीज का? अच्छा बताएं किस चीज का स्टेक बनाएंगे? बीफ का। बीफ का? क्योंकि बकायदा एक ही बनाएंगे फिर। एक बनाएंगे, उसकी छोटी छोटी बोटियां हर एक एक मिलेगी। नहीं इंशाल्लाह, आपके कुरतुलैन में लिखी है। और अब आप दुआ करें कि मैं आपकी रेगुलर फॉलोअर बन जाऊं। बस आप बन जाए, जरूर बन। आपको पहले मेरी कॉल ले लिया करें। टीम, आई विल किल यू गाइस। टीम ये कह रहे हैं ले लेंगे इंशाल्लाह, हर एक की कॉल लेते हैं। प्लीज नंबर भी ना मेंशन कर दिया करें आप लोग इस शो के दौरान ना। हाँ प्लीज, ये वाकई में थोड़ा सा मेंशन बार बार शो नहीं हो रहा था। ठीक है, ओके, नंबर ज्यादा फ्रीक्वेंटली फ्लैश करें। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। खुशी हो गई बहुत ज्यादा आज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरी टीम से गुजारिश है कि थोड़ा नंबर्स जो है वो ज्यादा फ्लैश कर दें। व्हाट यू से, गुड ना? अच्छा वापस आ जाते हैं। अच्छा हाँ, सबा सिकंदर जो है हमारी एंटरप्रेन्योर डिजाइनर जो है, इनका एक वो है शोरील है, वो चल के देखते हैं।
वेरी नाइस भाई, जबरदस्त, थैंक यू। बच्चों के लिए भी कलेक्शन है? जी बच्चों के कलेक्शन हमने रिसेंटली लॉन्च किया 6 महीने पहले, और सबसे अच्छा और ज्यादा फीडबैक हमें बच्चों के कलेक्शन पे आया, क्योंकि उसमें भी हम लोगों ने जंपिंग सूट्स और इस तरह से स्कर्ट्स और टॉप और उसके अलावा ट्रेडिशनल जो गरारा शरारा इस तरह के डिजाइन करके दिए। तो आपको पता है मदर्स की हमेशा कोशिश होती है कि बच्चे अच्छे ड्रेसअप हों, और अगर कोई कस्टमाइज करवाना चाहे, ट्विनिंग करना चाहे अपने बच्चों के साथ, वो भी हम कस्टमाइज करते हैं। अच्छा, दैट्स वंडरफुल। ट्विनिंग आजकल बड़ी इन है। एग्जैक्टली, जबरदस्त, वंडरफुल। नाज़रीन, इस वक्त दिमाग से बात निकल गई, हाँ सॉरी, इनके आप इंस्टाग्राम पेज पे सबा सबा निगत कलेक्शन, सबा निगत कलेक्शन पे जा सकते हैं। आपको कैसे फनकार के नाम से, FUNNCAR इनकी ऐप एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड ना करें, उसको फॉलो करें, उसको डाउनलोड भी करें, उसको एक्सपीरियंस भी करें, बिकॉज़ हमारे पास ऑलरेडी 30+ सेलिब्रिटीज ऑन बोर्ड हैं, परफॉर्मर्स हैं, मैजिशियंस हैं, वी हैव अ वास्ट कैटेगरी, उसमें हर तरह के, हर तरह। अच्छा, उसमें मैजिशियन, सिंगर, पोएट्स, मैजिशियंस, राइटर्स, परफॉर्मर्स, सिंगर्स, डीजेस, हर तरह की कैटेगरी और हर तरह के लोग। वंडरफुल। अच्छा, ये तो बन गई एक ऐप, बाकी 9 किस तरह की हैं? अच्छा मिशी, उसमें हम, हमारी कोशिश ये है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को टच करें, जहाँ जहाँ हम ईज आउट कर सकते हैं उन एरियाज में, जहाँ जहाँ पे जैसे ग्रॉसरीज हैं, इस ग्रॉसरी की जो अब जो नहीं आ पाएगी उसका आइडिया बहुत अमेजिंग होगा, उसका आइडिया बहुत डिफरेंट होगा, उस पर भी हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। सो सून इट्स गोना बी अवेलेबल इन द मार्केट। और फिर हमारी कोशिश है कि कुछ इस तरह से जैसे हमारी डे टू डे लिविंग में जैसे एक्सपर्टीज होती है किसी भी चीज़ में, उस उन सारी चीज़ों को हम ऑन बोर्ड लेके आए और एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल करें जो आपके डे टू डे लाइफ को टच करें। ओके, आपको आपको कोई मेंटेनेंस वाला चाहिए, आपको क्लीनिंग चाहिए, आपको कोई कपड़े धोने के लिए चाहिए, मेड्स चाहिए, एवरीथिंग, यू विल बी, नाउ यू विल बी, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग ऑनलाइन। अच्छा, तो बेसिकली आपने वो ऐप डाउनलोड की, वो क्लीनिंग की है, तो सिर्फ क्लीनिंग का उसके अंदर होगा, आप चूज करेंगे कि व्हाट यू रिक्वायर्ड। ओके, क्या आपको किस चीज की जरूरत है, फॉर एग्जांपल आपके घर में एसी खराब है, आपको मेंटेनेंस चाहिए, अपने नल का लगवाना है, क्लीनिंग करवानी है, व्हाटएवर यू वांट, यू जस्ट नीड, यू विल कम देयर और आप उसको देखेंगे, आप रेटिंग्स चेक करेंगे। उसमें ये होता है कि जो जो भी आपके घर आ रहा है सर्विस देने, एक तो वो वेरीफाइड है, उससे आपको ये नहीं होगा अगर आप अकेले हैं, आपके घर में कोई भी आ गया मेंटेनेंस के लिए, सो यू विल फील सेफ, जैसे बहुत सारे आइडिया सब रजिस्टर्ड होंगे, सब रजिस्टर्ड हैं, जैसे हमारे पास जो सेलिब्रिटीज भी हैं और जो हमारे पास परफॉर्मर्स भी रजिस्टर हैं, उनमें भी हमने उनकी वेरिफिकेशन, उनके जो वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद हमारी टीम है पूरी, वो उनसे एक वीडियो कॉल पे या जाके मिलती है, तो वेरीफाई करते हैं कि ओके दिस इज़ अ जेन्युइन प्रोफाइल एंड द पर्सन इज़ जेन्युइन। अगर आप किसी अपने इवेंट पे बुला रहे हैं तो इट्स द मोस्ट सेफेस्ट वे टू बुक एनी फनकार थ्रू फनकार। जबरदस्त, वंडरफुल। नाज़रीन एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, उसके बाद जो है एक बड़ी स्पेशल बर्थडे भी विश करनी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मिशी खान? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बोल रही हैं? जिला पिशावर से परखा बात कर रही हूँ। परखा जी, परखा मीन शबनम, फर्स्ट तो परखा। परखा कैसी हैं परखा, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैं मम्मी के साथ बैठी थी, आपके शो में देख रही थी, तो आपने एक क्वेश्चन किया था, मेरे पास उसका जवाब था, इसलिए मैं कंटिन्यूसली तकरीबन आधे घंटे से मैं कॉल कर रही हूँ। अच्छा सॉरी, सवाल था कि पाकिस्तान का पहला कलर ड्रामा सीरियल कौन सा था? जी बिल्कुल, परछाइयां 1976 में ये ड्रामा आया था। ओके, परछाइयां 1976। ओके, तो पहली दफा कॉल कर रही हैं परखा? जी मैं पहली दफा कॉल कर रही हूँ, मैं कंटिन्यूसली तकरीबन 40 मिनट से मैं कंटिन्यूसली कॉल कर रही हूँ। ओह थैंक यू सो मच। क्या करें, इतना फेमस प्रोग्राम जो है, बाहर से कॉलें आ रही हैं, लोग गिर रहे हैं नीचे। आई एम सॉरी, मैं मुसल से दुआ कर रही थी, मैंने कहा अल्लाह करे कि मेरा नंबर मिल जाए। That's so sweet of you. हमारी आप प्रोग्राम देख रही हैं, हमारे साथ मेहमान भी हैं, कोई आपका सवाल होगा उनसे? जी जी, नहीं जी, मैं अभी बैठी थी, अभी वो आप इंट्रोडक्शन कर रही थी, मैं वही ये देख रही थी, पर मैं कंटिन्यूसली आपका नंबर भी ट्राई कर रही थी। ओहो ठीक है, ओके। मुझे आपके साथ बैठी है जो दुबई से आई है, और जिनका जो ऑनलाइन है वो भी मैंने नोट किया है, इंशाल्लाह मैं इनसे फिर
ऑनलाइन कपड़े मंगवाऊंगी। अरे दैट्स वंडरफुल, थैंक यू सो मच परका। परमिशी खान जी, परमिशी खान माशाल्लाह योर पर्सनालिटी हैट्स ऑफ, थैंक यू। मैं जरूर मेंशन करूंगी, माशाल्लाह की जो पर्सनालिटी है बहुत जबरदस्त है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कंटिन्यू लाइक दिस, थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका जी। मेरे दो बच्चे हैं, एक का नाम अहमद और दूसरे का नाम हमदान, तो प्लीज उनको मेंशन करा दें। अहमद और हमदान जी, अहमद और हमदान, ठीक है, उनको मैम अच्छा सा मैसेज या हेलो आई कर देती हूं। हां जी, हमदान की बर्थडे भी है, उसको विश भी करा दे। ठीक है, हमदान की बर्थडे और अहमद को वैसे ही विश कर देते। जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके भाई, प्यारे से अहमद को लॉट्स ऑफ लव, अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड। और हमदान की बर्थडे है, और बर्थडे में कौन है, believe.com। चलो भाई 1 2 3 4 हम सारे मिलके गाएंगे। हमदान बोलना है, done. 1 2 3 stop. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Hamdan, happy birthday to you, may you have many more, may you have many more, happy birthday dear Hamdan, happy birthday to you, happy birthday to you. Zabardast, इसका चेक आप भेज दें हमें, अब हम फनकार में जा रहे हैं शाउट आउट देने के, और उसके ये तो बड़ा पई है, तो हम कल ही ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात, बहुत ही हमारे सेलिब्रेटेड वायलिनिस्ट जिनको तमगा उसने कारकर्दगी भी मिल चुका है, उस्ताद रईस जो हैं हमारे शो पे भी आ चुके हैं, उनके जो साहबजादे हैं उस्मान रईस, गॉट अ वंडरफुल वॉइस और बहुत खूबसूरत एफर्टलेसली गाते हैं, उनके जो भाई हैं नुमान रईस, क्योंकि उस्ताद रईस जो हमारा शो रेगुलरली देखते हैं, तो नुमान रईस की आज बर्थडे है, उनको भी बर्थडे विश करें। नुमान के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि बर्थडे हम विश करें। चलो भाई 1 2 3 4 Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Nauman, happy birthday to you, happy birthday to you, may you have many more, may you have many more, happy birthday dear Nauman, happy birthday to you, happy birthday to you. Very nice, जबरदस्त भाई। अच्छा, अब हमने काम की तो बातें हैं, आपकी डिजाइनिंग के बारे में, आपके एप्स माशाल्लाह, आगे आने वाले एप्स भी, जितनी खवातीन हैं वो हजरात, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि हर चीज के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होगी, और अभी जो इनकी एप्लीकेशन है वो फन कार के नाम से है, FUNNCAR। उधर आप एप्लीकेशन में जाएं और उसको डाउनलोड करें और देखें, कल से हम भी होंगे उसमें इंशाल्लाह। तो अच्छा, अब मौसीकी से लगाओ, बहुत कुछ सुनाए, सुनाना पड़ेगा यार, आपने भी सभा सिकंदर। अच्छा, सुनाने की हद तक नहीं, लेकिन सुनने की हद तक बहुत नहीं, सुनाने की जब मुझे ना इनके बात करने का स्टाइल इतना मजे का नहीं, आपने सुनाना थोड़ा सा। ओह माय गॉड, चलिए मैं पोएट्री सुना दूंगी, पोएट्री सुना दे चले। अच्छा, अब वो कहते हैं ना, एक ट्यून ये बजाएंगे, एक एक ट्यून आप लोगों ने उसको पहचानना है कि कौन से गाने की ट्यून है, थोड़ा नया होना चाहिए। हाँ भाई सुने, अपनी पैदाइश से पहले गिनना शुरू हो जाना, ठीक है, ये छोटी छोटी खवातीन है। ओह माय गॉड, प्यारी प्यारी सी। अच्छा, ले ये जो अपना जूड़ा बना के आता है ना, बिल्कुल भूल जाता है। अच्छा मैं जरा सॉरी वो भी देख लूं, आप लोगों के लिए आज चिकन रोस्ट बन रहा है, यू नो। ओके, अस्सलाम रहीम, लुक एट इट, सॉरी वो बेटिंग सेंटर, ये कौन सा गाना है,
दोबारा से तुम दोनों को नहीं पता ओके मैं तेनु समझावा कि ना तेरे बिन लगदा जी तू ची जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा हाथ दिल तो ये जाने मेरी वेरी वेरी नाइस जबरदस्त 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 अच्छा आप दूसरी ट्यून अच्छा ये इसका साउंड थोड़ा कम इसलिए रखें कि उनकी आवाज कम आती है बस हाँ ठीक ठूस के बगैर अच्छा वॉल्यूम डाउन चलो म्यूजिक क्लासेस में अगर मैं टीचर होती तो भाग जाते सारे चलो अब आपकी बारी है सबा सिकंदर बहुत प्रेशर है चलो सुनाओ थोड़ा सा यार बहुत मुश्किल है लेकिन चले लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोल ना मैं लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोल ना एक दिल सी गया मेरे कोल ना मैं ते लुटी गई वेरी नाइस वे वेरी गुड आई विल सू यू नाउ ठीक है नाजीन सॉरी थैंक यू सो मच अच्छा अब मैं कुछ क्विक क्विक से सवाल है मैंने कहा थोड़ी सी एंटरटेनिंग सवाल भी सबा आपने पोइट्री सुनानी थी गाना तो आपने पूरा सुनाया नहीं पोइट्री सुना दे जब तक मैं जरा इसको भी देख लूँ बेचारे बिल्कुल श्योर अच्छा एक से दो पोइट्री वैसे तो एक जजमेंटल लोगों के नाम है वो फिर कभी किसी और जगह पर या प्रोग्राम में लेकिन एक पोइट्री सबको मैं जो कहती हूँ जब कभी भी लोग देखते हैं मुझे किसी भी टीवी चैनल पे यूट्यूब पे या कहीं पे भी तो यही कहते हैं कि यार आपकी लाइफ तो बहुत मज़े की है आप तो बहुत इन्जॉय कर रही हैं शो रन कर रही हैं कंटेंट बनाती हैं या कपड़े आप बिजनेस कर रही हैं तो आपके पास तो बहुत पैसा भी है शोहरत भी है सब कुछ बट उनको मैं एक बात कहना चाहूँगी सभी कर रहे हैं मेरी ऊंचाई का तज़करा सभी कर रहे हैं मेरी ऊंचाई का तज़करा किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे सो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगल आपको प्रॉपर स्ट्रगल करनी होती है रिस्क लेना होता है आपका पैशन बहुत ज़रूरी है तभी आप किसी मकाम पे पहुंचते हैं वेरी जबरदस्त एंड बिहाइंड द सीन मिशी जो है अपने रोस्ट को देख रही है अजी पुट्ठा कर दिया मैंने इसको यू नो यू हैव टू डू द पुट्ठा इसलिए क्योंकि हमने इस तरफ भी थोड़ा सा इसको वो करना है गोल्डन करना है अब जो बाकी रह गया है ये बहुत ही कीमती शहद जो है गुलदाद भाई ने खुद ही बम्बीरियों से लगता है निकलवाया है ये देखें इसको हमने अब ये थोड़ा सा एक तरफ तो गोल्डन हो गया दूसरी तरफ जो है ये ना मैं प्लास्टिक भी निकाल दूं हसीन हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है तो अब मुझे लग रहा है हम प्लास्टिक भी खा जाएंगे डब्बे के साथ ओके ये हो गया अब मैं ज़रा आलूओं को चेक कर लूँ आलू भी ऑलमोस्ट डन हो गए लेकिन 5 से 6 मिनट और ये जाएगा अब ये अपर साइड जो है ना इसकी अपर स्टोरी जो है ये होगी ये अब सारा हमारा इसमें हो गया अब इसको वापस रखते हैं सॉरी ग्लव्स नहीं है मेरे पास कोई बात नहीं बस मैं मान रही ये थोड़ा सा और होगा अब मैं सिर्फ अपर वाला जो है ना उसको ऑन कर रही हूँ लोअर वाला ऑलरेडी हीटिंग उसकी मेंटेन्ड है सो कॉल आप कर सकते हैं 0514102357 पे आज का सवाल है कि पाकिस्तान का पहला कलर ड्रामा सीरियल जो है वो कौन सा था फेवरेट आपके अदाकारों में अगर पूछा जाए कौन है आपके फेवरेट बहुत सारे हैं नहीं फिर भी एक तो आप है अरूसा से अभी तक और फिर दोस्त जमाल साहब उनकी एक्टिंग अमेजिंग कमाल बहुत कमाल जो हमारे पुराने लोग थे बहुत कमाल अभी जो हमारे न्यू कमर्स में और जो हमारे मतलब माशाल्लाह तो सुपर स्टार है इमरान अशरफ हाँ अमेजिंग कमाल उनकी एक्टिंग उनकी बॉडी लैंग्वेज द प्योरिटी एंड द लव एंड द पैशन फॉर द एक्टिंग अमेजिंग बहुत पसंद आपके कौन फेवरेट हैं एक्टर में अगर बात की जाए सलीम मेहराज साहब नदीम बेग साहब और फीमेल एक्ट्रेस में अगर बात की जाए सजल अली एंड ऑब्वियसली आप
वो मैं इसलिए नहीं कहना चाह रही थी कि आपको ये ना लगे कि हम बटरिंग कर रहे हैं, इसके अलावा यमुना दैदी यार मैं यार हाउ अनकैनी, मैं कहने वाली थी यमुना दैदी और आपने यमुना दैदी कह दिया, ये दोनों मेरी बड़ी फेवरेट, आई थिंक शी इज अ फिनोमिनल एक्टर, वो जो सदके प्यार के सदके जो था उफ दैट वाज माइंड ब्लोइंग, और मुझे लड़कों में बिलाल अब्बास खान पसंद है, वो भी अच्छा, अहमद अली अकबर इज आल्सो गुड एक्टर, अहमद अली अकबर जिसने परीजात किया, लवली। अजी वापस आएंगे तो कुछ और इनसे गपशप होगी, लेकिन एक क्विक से ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक पे जाते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजीन, वापस आ चुके हैं, सॉरी मैं कॉन्टे निकाल रही थी क्योंकि अब जो है हमारी डिश जो है वो रेडी हो चुकी है, बल्कि अभी दो मिनट हैं, अभी दो मिनट और हैं। सो मेरे साथ अजका अजीम मौजूद हैं, साथ में सबा सिकंदर हैं, सबा सिकंदर इज एन एंटरप्रेन्योर एंड साथ में कितने पे था गलत गिनती है नाजीन 26 को 16 कह रहे और उसके बाद सबा सिकंदर हमारे साथ है एंटरप्रेन्योर और ऑनलाइन इनके कपड़ों का ज़बरदस्त से डिज़ाइंस हैं, तो आप इन्हें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे सबा निगत कलेक्शन, सबा निगत कलेक्शन के नाम से, और फेसबुक पे भी सेम है जी, फेसबुक पे, फेसबुक पे हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। ओके, और साथ में अजका अजीम है जो कि 10 ऐप्स नेटवर्क एक ऐप इनकी बन चुकी है, जिनमें जितने ड्रमर हैं अगर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं तो उनकी ऐप जो है फन कार FUNCAR, उसको डाउनलोड करें और उसमें आप रजिस्टर करवाएं अपने आप को और घर बैठे इजी हो के घंटी बज गई। सो आज के सवाल का जवाब है परछाइयाँ, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, मतलब आउट क्लास ड्रामा सीरियल था ये, और ऐसे ड्रामा अब आज के ड्रामे आप देखें तो उनमें बड़ी मेकअप और प्रोडक्शन वैल्यू बहुत है, लेकिन वो क्लास, वो जो स्क्रिप्ट और वो जो पूरी एक ऑरा है ना, वो बिल्कुल मिसिंग है। तो ये ड्रामा 1976 में फर्स्ट कलर प्ले जो है परछाइयाँ जो है वो चला था, चल के इसका एक क्लिप भी देखते हैं ताकि आपको माजी में ले जाएं। वंडरफुल नाजीन, जावेद शेख साहब थे इसमें और साथ में राहत काजमी है, साहिरा काजमी, जो कि बहुत ही क्या कहूँगी देवर, अब मुझे लगा कि यंग एज में वो एक आजकल जो एक्टर फीमेल एक्टर है मशल खान जी जी, अब मशल वो जो एक हॉरर ड्रामे में आ रही है, जी जी। आपने देखा बहुत रिजेंबलेंस थी, रिजेंबलेंस है ना, जबरदस्त, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच अमाद, आज हमारे साथ आज शादी पे गए हुए हैं फरहत अब्बासी, हमारे साथ हैं अमाद गुल, तो थैंक यू सो मच अमाद एंड सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब आ जाते हैं उस पर जिस पे आना था, कुकिंग का शौक आप दोनों में से अजका आपको है जी, मुझे कुकिंग का क्या क्या करती हैं कुकिंग, आई थिंक हर तरह की चीज़ बना लेती हूँ, हर तरह चाइनीज़ अच्छा बना लेती हूँ, क्या कॉन्टिनेंटल फूड अच्छा बनाती हूँ, कॉन्टिनेंटल चाइनीज़ बहुत अच्छा बना लेती हूँ। ओके वंडरफुल, और इसको नाजीन आप बंद कर देते हैं, सबा आपको क्या पसंद है ज़्यादातर, क्या फरमाइश करते हैं सब आपसे? अच्छा मुझे कुकिंग का शौक है, चिकन पुलाव में अच्छा बना लेती हूँ, मैकरोनी वगैरह, लेकिन टाइम कम मिलता है तो इसलिए कुकिंग ज्यादा हो नहीं पाती, बट कोशिश मेरी होती है कि जब भी फ्री टाइम मिले तो कुछ ना कुछ एटलीस्ट जरूर बनाऊं ताकि वो तारीफें सबमिट सके हम लोग। जबरदस्त, सो मैं अगर पूछना चाहूँ फ्यूचर में क्या आपने सोचा, अपने अपना आप जरूर बताएं सबा, आप क्या फ्यूचर में, एक तो आपकी ऑनलाइन ये बिजनेस तो है, आप एक्टिविस्ट भी सोशली भी काम करती हैं, लोगों की हेल्प भी करती हैं, और आपका पूरा एक ग्रुप है, आगे जाके क्या सोचा आपने? अच्छा इसमें दो से तीन चीज़ें, एक तो आई वॉन्ट टू मेक माई ओन स्कूल, ओके, क्योंकि अभी तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हम स्कूल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं, वी रियली वॉन्ट टू सपोर्ट देम स्टेशनरी यूनिफॉर्म्स और उनकी फ़ी वगैरह प्रोवाइड करके, बट एक मैं अपना स्कूल ऐसा चाह रही हूँ जहाँ पे किसी भी जो हमने क्लासेस में डिवाइड कर किया हुआ लोगों को, हर क्लास का बच्चा पढ़ सके। सेकेंड ये कि मेरा एक डिजिटल शो है ब्रंच विद क्रंच बाय सबा सिकंदर के नाम से, ब्रंच का शो है जी, जिसमें मैं मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू करती हूँ, ओके, तो अभी उसको मैं लाइक इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जा रही हूँ, कुछ सेलिब्रिटीज लाइन अप हैं जिनका इंटरव्यू करना है, एंड जॉनी डेप तो नहीं आ रहा मैं भी जाऊंगी मुझे भी बुला लेना प्लीज, बिग फैन। थर्ड ये कि लाइक जो मेरा कंटेंट मैं यूट्यूब पे बना रही थी उसको मैंने इंस्टाग्राम पे शिफ्ट किया है, अच्छा, एज यू नो इट्स डिजिटल, लाइक इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रीच होती है, सो अभी हम कुछ चीज़ें उसमें कर रहे हैं प्लान,
इंशाल्लाह वो नजर आएंगी नाजरीन को जब वो मुझे वंडरफुल वंडरफुल जबरदस्त। अस्का आपका क्या प्लान्स है? अच्छा मिशी प्लान्स तो अभी जैसे 10 प्रोजेक्ट्स इन द लाइन, एक तो उनकी सक्सेस है इंशाल्लाह, फनकार को हम इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स हम इसको इंटरनेशनली लॉन्च करें बिकॉज ये ऑलरेडी 3 लैंग्वेजेस में है विच इज अरबिक इंग्लिश एंड उर्दू। अच्छा तीन लैंग्वेजेस में। अच्छा, है, तो भी इसको इंशाल्लाह हमने गल्फ में लॉन्च करने का प्लान है, फिर हम इसको अराउंड द वर्ल्ड लेके जाएंगे और बाकी जो एप्स वन बाय वन इंशाल्लाह आती रहेंगी वो सरप्राइज करती रहेंगी। सो दैट्स द फ्यूचर प्लान टू मेक देम सक्सेस इंशाल्लाह। ओके जबरदस्त नाजी। नाजीन आई एम सॉरी मेरे पास ग्लव्स नहीं है। ये इसको आपने ये देखें कितना शाइनी और खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। ये जो ग्रेवी थी जो साथ साथ आलू भी हैं इसमें, आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो गाजर और साथ में मटर ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ आलू इस दफ़ा ऐड किए हैं। अब ये देख लें आप सूरत इसकी, सूरत ही मैंने ऐसी पाई, ये मुर्गी कह रही है इस वक्त आपसे सबसे। ये देखें अब मैं थोड़ा सा क्लीन अप ऑपरेशन कर लूँ। इसके साथ आप डिप जो है कोई भी डिप बना सकते हैं, थाउजेंड आइलैंड भी बना सकते हैं, इसको ब्रेड रोल्स के साथ अदरवाइज आप खा सकते हैं। ये देखें अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा गोल्डन हो गया। अब मैं इसमें से एक एक पीस जो है पहले हम ट्राई कर लेंगे। ओह यार सॉरी, मैंने दो दो राशन के आलू नहीं होते। अच्छा मैं चाहूँगी अस्का, क्योंकि हमारे पास टाइम भी अब रह गया है, अस्का सबसे पहले आप अच्छा सा कोई पैगाम आप देना चाहेंगी जो व्यूअर्स हैं उनको ऐप के हवाले से, अपने हवाले से कुछ अच्छी सी बात। श्योर, थैंक यू वेरी मच मशी। ऐप के हवाले से मैं सिर्फ यही कहूँगी कि एक प्लेटफॉर्म अब आपके पास ऐसा है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं और जिससे आप एक तो अपने सेलिब्रिटीज से कनेक्ट हो सकते हैं, आप उनको अपने इवेंट्स में अपने मूवमेंट्स में उनको शामिल कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें, आएँ और एक्सपीरियंस करें। इट विल बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर यू कि आप अपने जिस फनकार को किसी सेलिब्रिटी को आप आइडियलाइज करते आए हैं टीवी में ड्रामों में देखते आए हैं, उनकी बुक्स पढ़ते आए हैं, कभी उनसे मिले इन पर्सन, वो एक एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होगा आपकी ज़िंदगी का। और सोशली बस एक चीज़ जो जैसे मैं मिशी को बहुत अप्रिशिएट करूँगी, प्रोग्राम के स्टार्ट में ही उन्होंने मेंशन किया था कि जो आमिर लियाकत के हवाले से जो उन्होंने वीडियो बनाई थी, आई रियली अप्रिशिएट द करेज कि वो उन्होंने जो भी उनकी गट फीलिंग्स थी उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने उसको बोला। एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर मैं आपको भी यही कहूँगी और सबसे रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप इंटरटेनमेंट के लिए ज़रूर यूज़ करें, जिससे आप नॉलेज के लिए ज़रूर यूज़ करें, स्प्रेड पॉजिटिविटी बजाय इसके कि आप किसी की सेल्फ ट्रोलिंग को, किसी के इमोशंस को, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आप कह रहे हैं किसी पे उसका क्या असर जा रहा है। कोई इंसान कितना सेंसिटिव है आप उसको जज नहीं कर सकते। सोशल मीडिया की लाइफ से इम्प्रेस होना और उनको अपने ऊपर हावी करना छोड़ें और अपनी रियलिटी में एज अ ह्यूमन बीइंग आपके जो शोल्डर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं, जो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, प्लीज़ स्पीक अप, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिविटी फैलाएं और लोगों को हेल्प करें, उनको डिप्रेस करने के बजाय उनको हेल्प करें और सोशल मीडिया को राइट वे में यूज करें। थैंक यू वेरी मच। नहीं वेरी नाइस यार, जबरदस्त, ब्रावो, थैंक यू सो मच, जबरदस्त। और आप क्या कहना चाहेंगी सबा? जी बिल्कुल, आई सेकंड हर और जो भी उन्होंने बात की उस पैगाम को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इसके साथ साथ एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर या एज अ फीमेल मैं ये चाहूंगी कि खवातीन को चाहिए कि प्लीज कोलेबरेशन पे आप यकीन रखें, कोलेबरेट करें, इसके अलावा एक दूसरे को अपलिफ्ट करें बजाय आप लेग पुलिंग करें। और थर्ड ये कि ऐसे प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें जैसे कनेक्टेड वुमेन भी है और इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो खवातीन को इनकरेज करते हैं आगे बढ़ने में, वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें। और सेकंड ये कि आप बिज़नेस की तरफ ज़रूर जाएं, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी बिज़नेस स्टार्ट किया था और जॉब के बजाय आप बिज़नेस को तरजीह दें, आगे बढ़ें। लवली, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सबा, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आई एम सॉरी, मेरे पास इतनी बड़ी ट्रे नहीं थी कि तो मैं बिल्कुल क्वेटा चिनार होटल में नहीं जिस तरह ले जा रहे होते हैं चार प्लेटें, क्वेटा चिनार होटल आपके लिए ये ले। ओह थैंक यू सो मच मिशी, आपके लिए, थैंक यू सो मच, ये लो, थैंक यू, थैंक यू मिशी, थैंक यू सो मच, आई विल चार्ज यू फॉर दिस। ओके अच्छा बताओ कैसा बना नाज़रीन, दो मिनट रह गए हैं, लवली ब्यूटीफुल, आज छुट्टी
कल से मैं देर से उठूंगी। अच्छा मजे बहुत ऑनेस्टली बहुत अच्छा बना, बहुत जबरदस्त। ओ नाज़रीन थैंक यू। अब आप क्लोज देख लें, बहुत शुक्रिया। सना लाहौर से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी चिकन रोस्ट की। ओहो हो हो अमेजिंग, बहुत ही मजा बना। मुझे ज्यादा अच्छे आलू लग रहे हैं, जबरदस्त बना। And good thing is it's soft. इंशाल्लाह आपसे अब मेरी मुलाकात होगी। एग्जैक्टली मेरी कैमरा टीम ना टेंशन में आई होती है, उन्हें पता नहीं होता है कब उठ जाएंगी, कभी पता नहीं क्या भागना शुरू कर देंगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, टीम का बहुत शुक्रिया और थैंक यू। इंशाल्लाह मैं आपसे 4 दिन के वक्फे के बाद मिलूंगी अब, और हम एक ऑन एयर तस्वीर भी खींच लें। स्माइल चीज, अभी फोटो सेशन होना है। सो नाज़रीन थैंक यू सो मच, बाकी टीम का सबका बहुत शुक्रिया, जिनकी बर्थडेज थी उनको भी वंस अगेन मुबारक हो। बाकी ये कि सॉरी करने में और अपोलोजाइज करने में देर ना किया करें, अना जो होती है वो इंसान को ले डूबती है। तो इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे आने वाले जुमेरात वाले दिन। आज का शो कल सुबह 9:30 बजे और शाम को 4:30 बजे देखना ना भूलिएगा। वंस अगेन मेरी प्यारी दो एम्पावर्ड वुमेन का बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।